बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तपसी कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तपसी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, 1/2 kg लिया है। इसमें 70% गोश्त और 30% जो है वो फैट है। और इसको जो है फ्रीज़र वाला कीमा या फैट जो है वो यूज़ नहीं करना, फ्रेश लेकर आना है वो यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, नमक लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 teaspoon से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, 1/2 teaspoon ही समझ लीजिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 teaspoon, काली मिर्च का पाउडर लिया 1/2 teaspoon, और सुमाक पाउडर लिया है 1/4 teaspoon, और लाल मिर्च का पाउडर लिया है तकरीबन 1.5 teaspoon। ओके, यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। इस बोल के अंदर जो है सबसे पहले ये जो है कीमा है ये डाल दूंगी, और जितने मसाले मैंने आपको बताए थे वो सब इसमें डाल देने हैं। और फिर इसको हमें मिक्स करके अच्छी तरह से तकरीबन ओवरनाइट कर ले तो बहुत ही बेहतर है, बल्कि कोशिश करें कि आपको रात भर अगर इसको हम इसमें मैरिनेट हुए रहने दें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम जो है मैरिनेट करके तकरीबन पूरी रात के लिए रख देंगे। आप 6 से 7 घंटे रख लीजिए, अगर हम मॉर्निंग में करते हैं तो इवनिंग में बना सकते हैं। ओके जी, अब तकरीबन इसको 7 से 8 घंटे रखने के बाद गोश्त का जो कीमा था, हम कुछ चीज़ें जो है मैंने काट ली हैं, बिल्कुल चॉप कर ली हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिर्चें थी, हरी मिर्चें उनको काट लिया है। आधा रेड बेल पेपर ले लिया था उसको काट लिया है। यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है आधी गड्ढी, उसको काट लिया, और एक छोटी प्याज, आप 1/2 प्याज ले लीजिएगा, ये बहुत छोटे साइज़ की थी, इसको काट लिया, और 4 से 5 लहसुन के जवे, और मेरे पास यहाँ पर है पार्सले। अगर तो फ्रेश पार्सले मिल जाए तो बेहतर है, फिर धनिया हम नहीं डालेंगे वो डाल देंगे, अदरवाइज़ हम टेस्ट के लिए पार्सले डालेंगे। अच्छा, अब कीमे के अंदर जो हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, और 1/2 teaspoon जो है पार्सले जो है ये हम डाल देंगे। और इस सबको जो है हमने मिक्स कर लेना है। ये मैंने मसाला रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच टमाटो पेस्ट ले लिया है, एक पेस्ट हमने तैयार करना है। इसमें 1 टेबल स्पून ही मैंने चिली सॉस डालूंगी, और इसमें 1/2 कप पानी जाएगा, और 2 टेबलस्पून जो है वो हमारे ऑलिव ऑयल के जाएंगे, और इसको हम एक मिक्सचर साथ तैयार कर लेंगे। ओके, एक मैंने ये मोटे पैने वाली जो प्लेट है वो ले लीजिए, मेरे पास सिजलिंग प्लेट थी मैंने वो ले ली है। अगर आप चाहें तो आपके पास कोई भी जिसका पैदा मोटा हो वो चीज़ ले लीजिए, और जिसको हम ओवन में भी रख सकें, क्योंकि कुछ देर के लिए मैं इसको चूल्हे पर बनाऊँगी, कुछ देर के लिए मैं ओवन में रखूँगी। तो ये जो हमने एक मिक्सचर सा तैयार किया था इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, मिशाल में इसको थोड़ी सी ज़रूरत है, और इसको हम इसमें अच्छी तरह से पोर कर लेंगे। इसकी बेस पे लगाने के बाद हमने जो कीमा तैयार किया हुआ था अपना वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। हर तरफ से इसको अच्छी तरह से दबाकर हमने इसमें लगा देना है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ इसके ऊपर शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर जो था उससे, कुछ टमाटर और कुछ हरी मिर्चों से हम इसको थोड़ा सा सजा लेंगे। और उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ था, जो हमने इसकी बेस में डाला है, वो ही हम थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। ओके जी, यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया हुआ है, और जो कबाब हमने तैयार किए थे हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। और अब जो है ये
तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे इसी फ्लेम पर, जो हमारा मीडियम फ्लेम है इसको थोड़ा सा मैंने मीडियम टू हाई की तरफ रखा हुआ है, और इसको इसके ऊपर पहले पकाएंगे और फिर हम इसको 20 मिनट्स के लिए ओवन में जो है वो बनाएंगे ताकि ऊपर से भी पक जाए। और हम जो ओवन है उसको ऊपर से, जो उसका ग्रिलर है, हम उसको ऑन करके इसको ऊपर से भी बना देंगे। ओके जी, इसको आपने देखा होगा कि साइड से जो है इसने अपनी जगह छोड़नी शुरू कर दी है, और जो है अब जो है ये नीचे से तकरीबन पक चुका हुआ है। अब हम इसको ओवन में तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए, मैंने प्री हीट कर लिया है माइक्रोवेव ओवन, और उसमें मैं रख दूँगी तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। और कुछ देर के लिए आप ऊपर वाला ग्रिलर है जो भी है आप ऑन कर लीजिएगा, और उससे ये होगा कि ऊपर की जो ये सारा कीमा है ये भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। जी, ये बेक होने के बाद हमारे तपसी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। आप इनको रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।